हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन में टाइप 13 के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 क्या बोल रहे हैं। 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ने हमसे बोला, यदि एक वृत्त, ठीक है, यदि एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं। ठीक है, वृत्त आप लोगों का ऐसा होता है और वर्ग आप लोगों का ऐसा होता है, और दोनों का हमें क्या बराबर दिया हुआ है ये देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये बराबर दिया, इसका एरिया ए स्क्वायर होता है। यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं, तो ए बराबर, देखो इसे अगर मैं हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल आएगा, लेकिन पाई अंदर रह जाएगा, तो बोल सकते हैं पाई रूट पाई आर, आर तो बाहर हो गया। ठीक है, ए का मान निकल आया, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि तो उनके परिमापों का अनुपात, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ वृत्त के, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर होता है, एंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 पाई आर एंड ए स्क्वायर। वृत्त का परिमाप तो 2 पाई आर, एंड इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए। ए का मान कितना है, रूट पाई आर, कैलकुलेट करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचा कितना, पाई तो ऊपर बचा, नीचे बचा 2 रूट पाई। ठीक है, अब या तो ऑप्शन में ये दिया गया हो, अगर ये नहीं दिया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट पाई का, रूट पाई, तो नीचे रूट पाई पाई बन जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा कितना, रूट पाई बाई 2। तो हम इसे बोल सकते हैं रूट पाई रेशियो। ठीक है, रूट पाई रेशियो 2 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 क्या बोल रहा है, किस टाइप से हमें सॉल्व करना वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। ठीक है, एक वर्ग मतलब जैसे कि मैंने बना दिया वर्ग, ठीक है, ये मेरा स्क्वायर बन गया, और इसी के ऊपर क्या है मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज बना है इस तरीके से मान लो। ठीक है, दोनों की जो साइड है वो ए है। ठीक है, देखो ये दोनों चीज याद रखना, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा सेम होती है, तो ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होगी कि वर्ग की भुजा भी सेम होती है, तो सारी साइड्स कितनी है भाई, सबकी बराबर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक ही आधार पर बने हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर रेशियो, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया 4 इधर आ जाएगा, तो 4√4:√3, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 4√3 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर दिया 484। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, 22 का स्क्वायर होता है ये। ओके, अब हमारे पास स्क्वायर ए मतलब वर्ग की भुजा आ गई, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं तो पेरीमीटर मोड़ेंगे मतलब परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 4a, तो 4 × 22 मतलब 88। अब इस 88 को हम मोड़ रहे हैं किसके रूप में, सर्कल के रूप में, तो 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, r बराबर हो जाएगा 88 के, भाई ये वर्ग के परिमाप है, तो और यही परिमाप किसका होगा, वृत्त का हो जाएगा, 22 × 44, 44 × 88, r बराबर कितना हो जाएगा, 14, 7 × 14, रेडियस तो हमारी आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, यदि तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को, अब हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है भाई, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 14 × 14, 7 × 14 = 28, 28 × 56, तो मतलब 11 × कर देंगे 56, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 और 5 11, 1 कैरी तो मतलब 6 616 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, 616 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 14, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, सेम क्वेश्चन है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 121, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 11, तो परिमाप कितना हो जाएगा 4 × 11 मतलब 44 हो गया परिमाप। ठीक है, अब यही परिमाप किसके रूप में मोड़ रहे हैं, वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से रेडियस हमें मिल जाएगी बराबर है 44, 44 से ये 44 गया, r बराबर कितना हो गया 7। जब रेडियस साथ है तो हमसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो 7 से 7 गया तो कितना हो गया 7 × 14 और 1 × 15 154, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट, 154 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 50 क्या बोल रहा है, किसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ने पर 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला घेरा जाता है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 × साइड का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 121√3, √3 से √3 चार का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर रूट के अंदर, स्क्वायर मैंने हटा दिया रूट लगा दिया, 121 × कर देंगे 4, ये वाला 4 इधर आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 11 × 2 निकल के आएगा, तो मतलब ए का मान आ गया कितना 22। आगे देखिएगा, अगर मोड़ने की बात की गई है तो परिमाप की जरूरत पड़ेगी, यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता तो परिमाप कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पे त्रिभुज है याद रखना, ये क्या है त्रिभुज, तो मतलब तीनों साइड बराबर होती है, तो 3 × कर देंगे 22, तो कितना हो जाएगा 66, ये परिमाप बराबर हो जाएगा किसके, वृत्त के परिमाप के, तो 2π की वैल्यू 22/7 × r बराबर हो जाएगा 66 के। ठीक है, 22 × 66, 7 × 21, 21/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 21/2, रेडियस हमारी निकल के आ गई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, ऑप्शन में है नहीं है, तो इसे और डेसिमल में ले जाओ तो 10.5। ठीक है, 10.5 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 फटाफट से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 ने बोला है, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, किसी वर्ग के विकर्ण पर, एक वर्ग है मेरे पास और इसका विकर्ण ये ले लो, यहां से मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जी। ठीक है, आगे बोली देखिएगा, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों क्या हमें क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी √2, और त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड्स बराबर होंगी √2, तो अब हमें एरिया पता होना चाहिए, किसका पहले पूछा है वर्ग का, तो वर्ग का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, रेशियो साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4 × √2 का स्क्वायर, तो √2 × √2। ठीक है, ए स्क्वायर से ए कट गया, ए कट गया, एंड √2 √2 कितना हो गया 2, और 2 × 2 = 4, इस दो को इधर भेज देंगे तो 2√, यहाँ पे कितना बचा 2√3, यह हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा 2√3 मतलब ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, अब मतलब 4 सेंटीमीटर एक वर्ग की भुजा है। ठीक है, जब ये 4 है पूरी, तो एक बात बताओ, जो रस्सी होगी वो कहाँ तक आएगी, बिल्कुल सेंटर तक आएगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की रस्सी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, आगे देखिए क्वेश्चन, चाप के आकार में टुकड़े काटकर अलग कर दिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने एक चाप यूँ लगा दिया, एक चाप इस साइड से लग गया, एंड एक चाप इस साइड से लग गया, एक चाप ऐसे लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन टुकड़ों को अलग कर देता हूँ, ये वाला टुकड़ा अलग है, ये वाला टुकड़ा अलग है, ये वाला टुकड़ा अलग है, ये वाला टुकड़ा अलग। क्वेश्चन क्या पूछा, तदनुसार शेष आकृति, मतलब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बात बताओ, वर्ग का एरिया निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 16 में से अगर मैं 1, 2, 3, 4 का माइनस कर दूं, इन 4 का एरिया कितना होगा, तो लेकिन पहले 1 का एरिया निकाल लें, 4 का तो एरिया निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे कितने हैं मेरे पास 4 हैं, अब ये क्या है मेरे पास 1/4 है किसका, इस वृत्त का, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई इसकी 2 पर है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 से 4 कट गया मतलब 22/7, या फिर
ऑप्शन में देखिए 22/7 है या पाई है, पाई है तो आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे 16 - 4π। ठीक है, चेंज मत कीजिएगा, ऑप्शन में 4π है इसे आप पाई ही रहने दें, नोट कीजिएगा फटाफट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। 18वां 18वां क्वेश्चन देखिएगा, 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ने बोला यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है, वृत्त का और त्रिभुज का, किस किस का, एक त्रिभुज का और एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोले, त्रिभुज की शीर्ष लंब क्या है, मतलब हमसे पूछी गई ऊंचाई, तो सीधी सी बात है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना होगा, बेस आधार कितना है भाई इसका, इसका 8 है आधार, इंटू हाइट हमें निकालनी है, इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, पाई लगा हुआ है ऑप्शन में तो पाई रहने दें, ठीक है ऑप्शन पे भी थोड़ा सा निगाह अगर डालेंगे तो पाई लगा हुआ है, पाई आर स्क्वायर मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है तो इंटू कर देंगे 8 × 8, ठीक है पाई आर स्क्वायर, 1 8 से 1 8 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई एच बराबर कितना हो जाएगा 16 पाई, कितना हो जाएगा 16 पाई हो जाएगा, नोट कीजिएगा फटाफट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है साइज 30 × 20 वाले मीटर वाले किसी आयताकार, एक आयताकार है मेरे पास, खेत हो चाहे कुछ भी हो, ये हमें दी गई है 30 और ये दी गई है 20। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र के कोनों पर एक गाय बांधी गई, मतलब किसी भी कोने पे ले लो, यहाँ पर ले लो चाहे, एक कोने पर गाय बांधी गई 14 मीटर लंबी रस्सी थी, तो मतलब यहाँ पे होगा कहीं 14 इस साइड में, और इस साइड में हो जाएगा यहाँ पे करीबन, क्योंकि ये 20 है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गाय जो है चर सकती है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, जिसमें वहाँ घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल, तो सीधी सी बात है ये 90 का होगा, इसका एरिया निकालना है भाई, तो ये हमें दी गई ये 14, ये भी हमें 14, ये 20 तो भाई पूरी है और ये पूरी 30 है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है हमें आयत से। ठीक है, सीधे सीधे एरिया निकाल सकते हैं, कितना भाग है 1/4 भाग है किसका, वृत्त का, तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 × 14 कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 2 7 जा 7 से 7 एंड 7 × 2 14 ये भी 153 हो जाएगा, 7 × 2 14 = 4, 1 × 7 = 14 × 1 = 15 154 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा, त्रिज्या हमें दी गई है भाई 14, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ने हमसे बोला एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, एक वृत्त है मेरे पास और एक वर्ग है, उनके एरिया हमें बराबर दिए गए, क्या एरिया हमें बराबर दिए गए, आगे देखिए वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, बराबर होगा ए स्क्वायर के, तो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा √πr, जब ए का मान यहाँ से निकल आया, अब एक बात बताओ जी, हमसे पूछा है क्या ए रेशियो कितना रेडियस, ठीक है क्वेश्चन में ध्यान से देखो लास्ट वाली लाइन, वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या से अनुपात मतलब रेडियस, एक बात बताओ यहां से ही अगर मैं बात करूं तो देखो अगर मैं इस त्रिज्या को इसके नीचे ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं a बाई त्रिज्या हो जाएगी, मतलब भुजा बाई त्रिज्या, ऊपर तो हो जाएगा √π, इसके नीचे क्या होगा फिर 1 होगा, तो जो राइट आंसर हो जाएगा √π·1, √π·1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।